अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही इजी ट्रिक शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप किसी भी लैस को किसी भी एरिया पे कैसे बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ लगा सकते हैं। तो मोस्टली मेरे साथ क्या होता था, जब मैं कोई ब्रांडेड सूट देखती थी तो मैं कहती थी यार इसकी स्टिचिंग कितनी जबरदस्त हुई हुई है, लेकिन उसकी जो खास चीज मुझे लगती थी वो यही होती थी कि उनकी जो उल्टी साइड होती है कपड़े की, वहां पे भी जो स्टिचिंग हुई हुई होती है उस पे भी उन्होंने बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग दिखाई हुई होती है। तो मैंने देखा जबकि जब मैं मोस्टली लैस लगाती हूँ तो मेरी लैस की जो उल्टी साइड की फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आ रही होती। तो फिर मैंने उसका सलूशन निकाला और इस वीडियो में मैं अपना सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपकी उल्टी साइड पे लैस की परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आती है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ लैस लगा पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी कमीज के बॉटम पे लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने गोटी की लैस ले ली है, आप कोई भी लैस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना सा जो एक पैर का एरिया है मैंने छोड़ दिया है, जो मुझे लैस में दबाना है तो उतना आपने छोड़ देना है। उसके बाद इसके ऊपर रखते हुए लैस लगानी है। कैसे लगानी है यहाँ मैं आपको बताऊंगी बहुत डिटेल में। ये जो प्लेन एरिया है इसको इस तरीके से लैस की जो उल्टी साइड है उसको अपनी तरफ करते हुए मैं यहाँ लगाऊंगी, और जितनी लैस मुझे बाहर की तरफ रखनी है जो सीधी साइड पे मुझे शो करनी है उतनी लैस को छोड़ते हुए फिर सिलाई लगाती जाऊंगी। और नीचे से मैंने उतना कपड़ा भी दबाया है, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। याद रहे कि यहाँ मैंने लैस की जो उल्टी साइड है उसको अपनी तरफ करते हुए रखा है और जो कमीज है उसकी सीधी साइड को अपनी तरफ करते हुए रखा है और फिर ये सिलाई लगाई है, तो ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये देखिए जब हम इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे तो लैस की सीधी साइड हमारी तरफ आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपने कोई भी कंट्रास्ट का कपड़ा ले लेना है। अगर शलवार के साथ मैचिंग कंट्रास्ट में लेना चाहते हैं शलवार के साथ मैचिंग भी ले सकते हैं, या किसी भी कंट्रास्ट में जो कलर आपकी कमीज में अवेलेबल है वो ले लेना है। तकरीबन एक इंच से थोड़ा सा ज्यादा ही लेना है आपने, और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, थोड़ा सा एक पैर जितना फोल्ड करना है, और ये जो हमने सिलाई लगाई थी उसको नीचे छुपाते हुए उसी के ऊपर ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा के इस कपड़े को भी अटैच कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारी जो उल्टी साइड की जो फिनिशिंग है वो बहुत जबरदस्त आएगी, और ये जो कपड़ा मैंने लगाया है कंट्रास्ट में ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा उल्टी साइड पे। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़े की जो सीधी साइड है, ये जो मैंने कपड़ा लगाया है अभी, इसकी सीधी साइड को अपनी तरफ करते हुए मैंने रखा है और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस कपड़े को, उल्टी साइड पे देखिए कितनी जबरदस्त फिनिशिंग आई है, और ये कंट्रास्ट में जो कपड़ा मैंने लगाया है ये बहुत स्टाइलिश भी लग रहा है। तो इस तरीके से आप लैस लगा सकते हैं, सीधी साइड पे भी बहुत परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आएगी। आप इसकी तुरपाई कर लें आप, या फिर अगर आपको सिलाई लगानी है तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहां तक वीडियो देख ली है तो लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।